हे एवरीवन दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट रेंज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द पोयम व्हिच इज टाइटल्ड एज फॉर एन ग्रेगरी मेंशन इन योर चैप्टर द सर्मन एट बनारस अब ये जो पोयम है व्हिच इज रिटन बाय द पोएट विलियम बटलर ईट्स ये एक कॉन्वर्जेशन है बिटवीन द पोएट एंड अ यंग गर्ल जिसका नाम है एन ग्रेगरी अब इस कॉन्वर्जेशन में जो पोएट हैं वो ये एक्सप्लेन करते हैं इस यंग गर्ल को कि क्योंकि अगर कोई भी ऐसा लड़का है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है इफ़ देर इज़ अ बॉय हु लव्स यू तो वो इसलिए नहीं होगा कि यू नो ही इज़ लविंग यू फॉर योर इनर सोल इनर ब्यूटी इट्स बिकज़ कि तुम्हारे जो हेयर हैं जो येल्लो कलर के हेयर हैं वो इतने ब्यूटिफुल हैं कि कोई भी लड़का होगा तो वो तुम्हें सिर्फ इन हेयर की वजह से पसंद करेगा और अगर तुम उसे रिजेक्ट कर देती हो और वह सैड हो जाता है इसका मतलब कि वो लड़का डेफिनेटली तुम्हारी इनर ब्यूटी तुम्हारे थाट्स तुम्हारी सोल के लिए तुम्हें पसंद नहीं करता वो तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी के लिए तुमको पसंद करता है तो जो एन ग्रेगरी हैं वो ये बोलती हैं कि ठीक है अगर मेरे हेयर जो हैं वो येलो कलर के हैं और उस लिए मैं बहुत अट्रैक्टिव लगती हूँ तो डेफिनेटली उसको भी पता होगा जो भी ईमान होगा या फिर सबको ही पता है कि हम अपनी आउट ऑफ ब्यूटी को चेंज कर सकते हैं यानी अगर मेरे हेयर येलो कलर के हैं तो मैं उसे और डिफरेंट हेयर डाइज यूज़ कर कर डिफ़रेंट कलर्स में चेंज कर सकती हूँ मैं अपने हेयर को ब्लैक कर सकती हूँ कैरेट कलर का कर सकती हूँ और इससे मैं अपनी फिजिकल ब्यूटी डेफिनेटली चेंज कर सकती हूँ तो फिर जो भी यंग मैन यू नो मुझे पसंद करेगा वो मेरी इनर ब्यूटी मेरे सोल मेरे थॉट्स के लिए मुझे पसंद करेगा ना कि मेरी फिजिकल ब्यूटी के लिए तो इस पे पोएट जो हैं वो एक प्रूफ देते हुए अपने यू नो आंसर को या अपने जो भी उनने फैक्ट रखे हैं उसे सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि मैंने किसी को कल रात को ये कहते हुए सुना था एक रिलीजियस मैन को रिलीजियस मैन यानी जो भी यू नो फॉर एग्जाम्पल आप प्रीस्ट की बात कर लीजिए ठीक है तो उन्होंने पोइट को कहा है कि ऐसा यू नो कहा जाता है ऐसा लिखा गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ गॉड हैं भगवान हैं जो आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करते हैं बाकी अगर कोई भी आपको अगर पसंद करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आउटर फिजिकल ब्यूटी के लिए आपको पसंद करता है एंड ओनली गॉड इज़ द वन हु ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली नॉट बेस्ड ऑन द लुक्स और द फिजिकल ब्यूटी और इस पे जो है हमारे पोइम का डिस्कशन एंड होता है तो यहाँ बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि इस में पोएट का जो थॉट है वो ये है कि कोई भी इंसान अगर आपको पसंद करता है तो वो सिर्फ आपकी फिजिकल ब्यूटी के लिए ही आपको पसंद करेगा अ पर्सन वुड लव यू ओनली फॉर योर फिजिकल ब्यूटी नॉट योर सोल नॉट योर थॉट्स नॉट योर थिंकिंग तो यहाँ पे यू you नो know, हम कह सकते है? हैं देखो बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज हैं ऐसा भी हो सकता है नो आप लोग अग्री ना करो इस चीज से आप लोग को लगे कि नहीं डेफिनेटली ऐसा नहीं है पीपल डू लव यू नो अदर पीपल बेस्ड ऑन देयर थिंकिंग देयर थॉट्स देयर देर राइट नॉट ओनली हाउ दे लुक तो ये एक बेसिक सा जो कॉन्वर्जेशन है जो डिस्कशन है वो हम इस पोयम में पढ़ने वाले हैं क्लियर ऑल राइट नाउ लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट एंड देन वी विल रीड अबाउट द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम क्लियर ऑल राइट so this poem which is written by william butler yeats was born in 1865 and left the world in 1939 was an irish nationalist

About. अब इस में में you know, जो है उनके बीच में, और ये जो गर्ल है एन ग्रेगरी उसके बीच में कॉन्वर्जेशन चल रहा है और वो किस बारे में यू नो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं किस बारे में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं वही हमको पढ़ना है क्लियर ऑल राइट सो फर्स्ट एंसर इज

तो इस टांसा में पोइट कहते हैं टू दिस यंग गर्ल जिसका नाम है एन ग्रेगरी नेवर शैल यंग मैन थ्रोन इन टू डेस्पेयर वॉट इज डेस्पेयर सैडनेस यानी कोई भी अगर यंग मैन है जो कि यू नो सैड हो गया है बहुत डिजेक्टेड सा फील कर रहा है बाय दो ग्रेट हनी कलर्ड रैम्प एट योर ईयर

समझ रहे हो यानी कि जो तुम्हारी रियल पर्सनालिटी है तुम्हारा जो यू you नो know, मानना है नजरिया है लुकआउट है उन सब चीजों पे बेस जो है वो पर्सन तुमसे प्यार नहीं करता दैट पर्सन लाइक्स यू बिकॉज ऑफ योर येलो येलो हेयर हेयर और को बहुत ब्यूटिफुली दिखाया गया है एट योर ईयर क्या होते हैं जैसे यू you नो know, कोई कासल या फोर्ट उनके अराउंड बहुत सी वॉल्स बनी होती हैं जिससे वो प्रोटेक्टेड होते हैं तो वो वॉल्स जो हैं उन्हें हम रैम्पट्स कहते हैं और यहां पर जो गर्ल है उसके जो यू नो लॉक्स ऑफ हेयर हैं जो हेयर यहाँ पर पे गिरते हैं फ्रिंजेस बोलते हो जिनको तो ये हेयर जो है वो उसके ईयर पे गिर रहे हैं जो कि हनी कलर यानी हनी कैसे येलोइश जो ब्राउनिश का कलर होता है उसे हम कहते हैं तो ऐसे कलर के हेयर हैं इस गर्ल के और वो यू नो इयर्स पे पड़ते हैं तो है you know, वॉल है, है को तो यहां पर जो हेयर हैं उन्हें रैम्प की तरह यू नो कंपेयर किया गया क्योंकि आर द वंस जो कि सराउंडिंग वॉल्स होती हैं और फोर्ट, तो सेम वे में ये जो हेयर हैं है है, वो इसके फेस को हाइट कर रहे हैं अगर हम इसका इंडायरेक्ट मीनिंग देखें तो वो ये है कि ये जो तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी है ये जो तुम्हारे हेयर है हैं वो तुम्हारी इनर ब्यूटी तुम्हारी सोल तुम्हारे थॉट्स को हाइड करती है और कोई भी अगर तुम्हारी तरफ देखता है तो वो तुम्हारे इनर जो सोल है जो थाट्स है उन्हें क्यों नहीं देख पाता क्योंकि तुम्हारी जो ये फिजिकल ब्यूटी है वो शॉर्ट ऑफ एक वॉल की तरह काम कर रही है

कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई हेयर डाई का मतलब क्या होता है अ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस यूज टू चेंज द कलर ऑफ अ पर्सन हेयर यानी कि यू you नो know, आपके जो हेयर होते हैं उन पे आप ऐसा कुछ केमिकल सब्सटेंस लगाते हो ऐसा कलर लगाते हो जिसकी वजह से आपके हेयर का कलर चेंज हो जाता है उसे आप कहते हो हेयर डाई क्लियर तो यहाँ पर जो हमारी यू नो गर्ल है ये यंग गर्ल एंड ग्रेगरी वो कहती हैं कि पर मेरे पास ये भी तो यू नो सोलूशन है कि मैं अपने बालों को डिफरेंट कलर्स में चेंज कर सकती हूँ यानी कि अगर येलो हेयर यू नो आर द रीजन जिसकी वजह से पीपल अट्रैक्ट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी तो डेफिनेटली मैं अपने बालों का कलर चेंज कर सकती हूँ इसका मतलब कि फिजिकल ब्यूटी जो है उसे आप ऑल्टर कर सकते हो उसे मॉडिफाई कर सकते हो चेंज कर सकते हो क्लियर एंड सेट सच कलर देर और मैं अपने बालों का कलर जो है वो येलो से चेंज करके कैसा कर सकती हूँ या तो ब्राउन कलर या ब्लैक कलर या कैरेट कलर That यंग मैन इन डिस्पेयर और जो इंसान यू नो इज सैड और डिजेक्टेड बिकॉज ऑफ माई रिजेक्शन मे लव मी फॉर माई सेल्फ and एंड नॉट माई येल्लो हेयर और अब जो है वो मुझे अगर पसंद करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट्स के लिए पसंद करेगा मेरी पर्सनैलिटी के लिए पसंद करेगा मैं जैसी पर्सन हूँ उसके लिए पसंद करेगा ना कि मेरे येल्लो हेयर के लिए यानी यहां पर यह जो गर्ल है वो पोइट को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि डेफिनेटली आई यू एंड एवरीबडी नोज की फिजिक ब्यूटी जो है उसे आप चेंज कर सकते हो एंड सेम थिंग मैं भी कर सकती हूँ तो अगर मैं अपने येलो हेयर को चेंज कर, करके किसी और कलर का कर देती हूँ तो मे भी यू नो थोड़ा चेंज आ जाए मैं थोड़ी लेस अट्रैक्टिव लगूं और फिर इंसान जो भी यंग मैन है वो अगर मुझे पसंद करता है तो दैट पर्सन डेफिनेटली लव मी फॉर वॉट आई एम नॉट वॉट आई लुक लाइक क्लियर ऑल राइट

विलियम ईट वो बात कर रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन कि मैंने ऐसा सुना है यू you नो know, एक रिलीजियस मैन के मुंह से कब

प्रूफ देने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि डेफिनेटली मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक रिलीजियस मैन से कल रात को सुना है कि उनके पास एक टेक्स्ट है लिखा हुआ है कहीं राइटिंग में जो कि एक प्रूफ है और उसमें क्या लिखा है दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येल्लो है कि इस पूरे वर्ल्ड में इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ भगवान है सिर्फ गॉड है जो तुमको सिर्फ इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि तुम कैसे पर्सन हो

वैसे ही ये जो हेयर है किसके एंड ग्रेगरी के विच आर ऑफ येलो कलर वो भी यू नो पे ऐसे ही पड़ रहे हैं जैसे कि एक वॉल हो और ये वॉल या ये हेयर जो है वो इस गर्ल की इनर ब्यूटी को हाइड करते हैं छुपा के रखते हैं और इसीलिए कोई भी अगर अट्रैक्ट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ और हेयर यानी फिजिकल फिजिकल ब्यूटी ब्यूटी से अट्रैक्ट होता है है इस पे एन ग्रेगरी का मानना है कि आपकी तो आप चेंज कर सकते हो लाइक like मैं अपने येल्लो हेयर को डिफरेंट कलर्स में चेंज कर सकती हूं बट दैट डज मीन कि यू नो फिजिकल ब्यूटी को अगर मैं चेंज कर लूंगी तो कोई अगेन जो भी पर्सन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फिजिकल ब्यूटी से ही प्यार करेगा हो सकता है अब कोई पर्सन को अगर मैं पसंद

क्लियर तो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द पोएम जो कि यू नो थॉट्स है अबाउट पोएट एंड आल्सो व्हाट एन ग्रेगरी थिंक्स अब यह आप पर डिपेंड करता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हो लाइक like, आपको सच में लगता है यू नो पीपल सिर्फ आपकी फिजिकल ब्यूटी से ही प्यार करते हैं नॉट इनर थॉट्स और यू ऑल्सो बिलीव कि नहीं इनर थॉट्स भी हैं कुछ लोग ऐसे जो यू you नो know, आपकी इनर थॉट्स आपकी सोल आपकी पर्सनैलिटी से प्यार करते हैं ना कि फॉर वट यू लुक लाइक क्लियर ऑल राइट नाउ लेट्स डिस्कस अ कम्प्लीट समी ऑफ द पोएम सो दैट यू नो वी गैट देंसर्स आते हैं तो आप किस तरीके से मैंशन करोगे सो द पोएम इज बेसिकली अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन द पोएट एंड अ यंग गर्ल नेम्ड एंड ग्रेगरी तो ये पूरी की पूरी पोएम क्या है बातचीत चल रही है कम्युनिकेशन चल रहा है कॉन्वर्जेशन चल रहा है किसके बीच में पोएट के बीच में और एंड ग्रेगरी के बीच में The poet says to Anne Gregory that a young man can become sad if you reject him. The poet goes on to describe her beauty and says that she has such beautiful golden hair that anyone will fall in love with her. तो so, यहाँ yeah, poet जो है वो इस young girl को क्या बोलते हैं कि किसी भी अगर you know you you young man को तुम reject कर दोगी तो वो definitely बहुत sad होगा दुखी होगा और फिर poet जो है Anne की beauty उसको समझाते हैं कि how beautiful she is और तुम्हारे ये जो

Her hair symbolizes the outer beauty that prevents anyone from looking inside her soul. यानी पोइट का यहाँ ये कहना है कि इफ़ यू आर ब्यूटिफुल दैट कुड बी एनी थिंग योर हेयर योर फेस राइट तो वो जो ब्यूटी है आउटर ब्यूटी वो कहीं ना कहीं एक यू नो वॉल की तरह एक्ट करती है जो कि आपकी इनर ब्यूटी को सामने नहीं ला पाती यानी आपकी आउटर ब्यूटी जो है लोग पहले देखते हैं दैट इज़ अ वेरी फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस और वो आपकी इनर ब्यूटी आपकी सोल को नहीं एनालाइज करते हैं। any man gets easily attracted to her and does not look into Anne's character and real nature beyond the beauty. और कोई भी young man जो है वो Anne Gregory से attract क्यों हो जाता है क्योंकि she is beautiful. कोई भी ऐसा नहीं है जो Anne Gregory को उसकी soul, उसके thoughts के लिए you know ये बोलेगा कि I love your thoughts or your soul and that's why I love you. तो इस तरीके से you know nobody would tell Anne ऐसा poet का मानना है clear? All right.

Color. अब इस पे जो 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 you know, sort of, अच्छा, जो है जो है 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 सेकंड में ग्रेगरी का यू यू नो नो रिप्लाई या सॉर्ट ऑफ वो वो अपने कैसे रखती हैं हैं बोलती कि अच्छा ठीक अगर ये हेयर हेयर गोल्डन मेरे दैट इज़ द रीज़न बॉयज़ फॉल इन लव मी तो आउटर ब्यूटी टेम्प्ररी इट कैन चेंज एट एनी टाइम तो एन का क्या मानना है कि मैं अपने बालों का कलर चेंज कर सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ब्राउन और कैरेट कलर और इससे जो है एन ये बोलना चाहती हैं कि जो आउटफ ब्यूटी है जो फिजिकल ब्यूटी है वो तो टेम्प्ररी है परमानेंट नहीं है और उसे तो कोई भी चेंज कर सकता है सो द मैन हु लव हर विल सी हर एक्चुअल नेचर बिहाइंड ब्यूटी तो एन का मानना है डेफिनेटली यू नो दैट मैन ऑल्सो नोज कि इसकी जो ब्यूटी है वो टेम्पररी है राइट वो कभी भी चेंज हो सकती है विद द एज और विद वट एवर मॉडिफिकेशन शी मेक्स तो डेफिनेटली जो भी मैन है दैट वुड फॉल इन लव वि हर नेचर

एक्सटर्नल तो पोएट जो है वो ये थॉट जब सुनते हैं एन ग्रेगरी के तो वो रिप्लाई करते हैं ही सेज दैट ही रिलीजियस मैन सेट ओनली गॉड कैन लवर्स फॉर वॉट वी आर

Humans always look for outer beauty and and are carried away by its shine and glitter. जो yani human beings हैं जो हम लोग हैं हम पहले physical beauty देख के अट्रैक्ट होते हैं हम जो है हमेशा वो जो शाइन ग्लिटर यानी कि जो आउटर ब्यूटी आपको दिखती है उससे अट्रैक्ट होते हैं कि विथ वॉट दैट पर्सन you know is actually is yani what is the real nature of that person usse nahi we get attracted towards the physical beauty of the person they do not have a deep understanding to look into the soul of a person only god can do so and love us for inner क्वालिटीज़ और पोइट का फाइनली यही कहना है कि नो ह्यूमन बींग हैज़ दिस केपेबिलिटी कि वो जो है डायरेक्टली आपके यू नो नेचर को आपके सोल को आपकी इनर क्वालिटीज़ को एनालाइज़ करें डेफिनेटली सिर्फ गॉड है जो आपकी इनर ब्यूटी आप कैसे पर्सन हो उस पर डिपेंड you know, करके आपसे प्यार करते हैं ही लव्ज़ यू इक्वली लाइक ही लव्स अदर पर्सन क्योंकि ही ओनली लुक्स फॉर द इनर क्वालिटीज़ क्लियर एंड नो ह्यूमन बींग कैन डू इट ऐसा पोइट का मानना है So, this was the complete summary of this poem. Done? Alright. So, with this, we come to an end of our poem. It is a very short, sweet poem which. पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोइट रिगार्डिंग कि डू यू अग्री विद्यू ऑफर सो आई होप आपको पूरी पोएम क्लियर हो गई है देवर नॉट मेनी यू नो डिफिकल्ट वर्ड वे वर वीव ऑलरेडी डिस्कस नाउ इन वी विल सो ट्राई टू सोल्व द एनसीआर विच आर मे इन ये बनारस और उसी में जो आपकी पोएम के क्वेश्चन